सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये तमके गौरी नारायणी नमोस्ते। जय श्री राम। साथियों नमस्कार। साथियों, एस्ट्रोलॉजी जय किराया का यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, हर आदमी के जीवन में सुख दुख, समस्याएं, परेशानियां आती रहती हैं। जैसे दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख। विषुत्री दशाओं में अच्छे ग्रह की दशा, फिर खराब की दशा, इस तरह से जीवन का ये चक्र है कि मतलब घूमते रहता है, कुछ न कुछ सबको परेशानी होती रहती है। तो ज्योतिष का कर्तव्य है कि वो छोटी छोटी बातों को मतलब ट्रेस आउट करके, जानकार करके, और आप उसको समाधान बतावे जिससे आप अपने समस्याओं से मुक्ति पा सकें। तो ये छोटी छोटी बातें मैं आपको एक सामने लेके आ रहा हूँ। आशा है कि आप इसको अमल करेंगे तो अपनी परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। यदि आप हमारे चैनल प्रथम बार उपस्थित हुए हैं अथवा हमारे वीडियो पहली बार देख रहे हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल बेल आई घंटी प्रेस कर लें, जिससे आपको नई नई बातें समय से पता चलती रहे, आप उनका लाभ उठाते रहें। तो साथियों, आपका विशेष रूप से जो जन्म का नाम होता है, राशि का नाम होता है, उससे इसकी कल्पना कीजिए। अगर नहीं है तो अपने नाम, जिससे आपका नाम स्टार्ट होता है, जो पुकार का नाम है, प्रचलित नाम है, उसका भी आप इसमें संज्ञान ले सकते हैं। तो क्या करें कि आपके जन्म, आपका नाम का प्रथम अक्षर यदि यू, यू मतलब यू, वाई ओ यू का यू जो मर करें, यू करें, यू ये यो ला ली लू लो ले लो अथवा अ है, तो और आपको स्वास्थ्य संबंधित कोई समस्या है, घरेलू परेशानियों से पीड़ित है, और आपके कार्य समय पर संपन्न नहीं हो पा रहे हैं, आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अपेक्षित धन की प्राप्ति नहीं हो पा रही, तो साथियों क्या करना चाहिए आपको जो है? तो चूंकि यह जो नाम हमने आपको पढ़ उसके सुनाए हैं, इस पर भगवान हनुमान जी का आधिपत्य है, मेष राशि के अंतर्गत सब आएगा। तो आपको अपने समय को ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए कि हनुमान जी के मंदिर में जाकर के उनका दर्शन करें और उनके पैरों के पास से थोड़ा जो सिंदूर लगा होता है उसको अपने माथे पर तिलक के रूप में लगावें। यदि आप मंदिर जा पाने में असमर्थ हो पा रहे हैं अथवा आपके घर मंदिर कहीं दूर है, आप व्यस्त आदमी हैं, नहीं जा पा रहे हैं और इन समस्याओं से ग्रस्त हैं, जो समस्याएं हमने आपको बताई हैं, तो उसके लिए एक दूसरा उपाय क्या बता रहा हूँ, जिसे आप मंदिर नहीं जा पा रहे हैं तो आपके घर में कोई हनुमान जी की मूर्ति हो, कोई हनुमान जी का कोई चित्र हो। तो साथियों, आपको चाहिए कि आप बाज़ार से, मैं बार बार तमाम वीडियो में जिक्र किया हूँ, जक्शन सिंदूर। जक्शन सिंदूर क्या होता है साथियों? प्योर सिंदूर होता है, मतलब सिंदूर इसी को कहते हैं, और जो जितने सिंदूर होते हैं वो सब बनावटी होते हैं, लेकिन यह असली सिंदूर होता है। इसमें क्वालिटी क्या होती है कि वजन में, जैसे आप एक पुड़िया लेंगे तो यह वजन में काफ़ी भारी होगा, 100 ग्राम खरीदेंगे तो ये थोड़ा मिलेगा, दूसरा जो सिंदूर मिलेंगे तो वो 100 ग्राम इतना ज़्यादा हो जाएगा। तो जैक्सन सिंदूर प्योर सिंदूर होता है, जो हनुमान जी को प्रिय है वही इनको चढ़ाया जाता है। तो जैक्सन सिंदूर से हनुमान जी को तिलक करके और उनका अपना चरण वंदना करके अपना जो धूप दीप अपना जला लिया अपना जो है, लेकिन धूप जलेगा साथियों, ये घी का, देसी घी का धूप जलेगा, मतलब दीपक जलेगा, धूप आप कोई भी जला सकते हैं, और हनुमान चालीसा का आप पाठ करें। तो जैसे मैंने बताया कई बात वीडियो में कि जैसा रोग वैसी दवाई, जैसी परेशानी वैसी व्यवस्था। तो यदि समस्या हल्की फुल्की है तो आप एक बार हनुमान चालीसा का पाठ कर लें, समस्या ज़्यादा पीड़ित है तो 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। तो आप देखेंगे कि इन चीज़ों से आपको, इस उपाय से आपको अत्यंत ही सहायता मिलेगी और आपकी परेशानियों से धीरे धीरे, साथियों कोई इंजेक्शन नहीं होता, पूजा पाठ कोई इंजेक्शन नहीं होता कि तत्काल लगाते इंजेक्शन लगा दिया तुरंत तो इंसर्ट होते ही तंत्र रिएक्शन हो जाएगा। पूजा पाठ करने में, उसका रिजल्ट आने में समय लगता है। तो आप धीरे धीरे अपना आस्था बनाएंगे भगवान के प्रति और आप मन लगाएंगे, तो जब करते रहेंगे उनका पाठ, पूजा पाठ करते रहेंगे, तो धीरे धीरे आपको अपनी समस्याओं से निजात मिलने लगेगी और आपका जीवन धीरे धीरे फिर ना सुखमय होने लगेगा। तो साथियों, मैंने ये आपको ये छोटी सी एक बहुत ही काम की जानकारी बताई। यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको
हमारी बताई गई बातें अथवा नई नई बातें समय से पता चलती रहे, आपका लाभ उठाते रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए विषय पर, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने आपको बहुत बहुत धन्यवाद।